मिलने के बाद प्रिया ने बयां किया दर्द। प्रिया ने अश्वजीत गायकवाड़ का खोला राज। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जागी पुलिस, क्या एफआईआर में धारा 307 जोड़ी जाएगी? महाराष्ट्र के ठाणे में एक होटल के पास 11 दिसंबर को कथित तौर पर प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ द्वारा कार चढ़ाने से घायल 26 वर्षीय प्रिया सिंह ने अपना दर्द बयां किया है। प्रिया ने बताया कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, मुझे पहले नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। प्रिया ने आगे कहा कि जब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है तो उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी और वो अब साथ नहीं है, वो अलग हो गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोली प्रिया सिंह। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है, मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था, तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ करके, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है, मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी, मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे, स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। मैंने 4 दिन पहले FIR की दर्ज की थी, जिस दिन ये हुआ था उसी दिन अनपैक किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है, आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है।